वो आज हमारे साथ अब स्वप्निल जी, स्वप्निल साहब भी कोल्हापुर से आ गए, ज्वाइन कर लिए, और साथ में आप गनी भाई जी मेन जो है आपके सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आप को अभी भी शौक है ये एक अपनी लैब है और नए नए प्रोडक्ट आप भी इजाद करते हैं, जैसे इन्होंने बहुत सारे पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड वगैरह बनाया है, और खास बात जो इसमें है कि जो इन्होंने यूज किया है OWDC का भी यूज किया इन्होंने और काफी सालों से यूज करते चले आ रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। हाँ आप सही है, थोड़ा सा जोर से बोले तो गरीब भाई जी आप बताइए कि मतलब आपने जो हमारा जो OWDC है इसको कैसे कैसे प्रयोग किया आपने। अच्छा मुझे मालूम पड़ा कि आपने इसको टेस्ट भी किया। जी, तो कि टेस्टिंग कैसे किया, क्या आपको मिला इसमें, पहले तो वो बताए। OWDC का टेस्टिंग किया, उसमें NPK तो मिला है, NPK के साथ जिंक मिला है, मैग्नीशियम मिला है, कैल्शियम मिला है, सल्फर मिला है और बहुत से बैक्टीरियल पावर मिल गया के जो फसलों में काम आ जाती। अब जैसे आपने बताया जिंक, तो इसमें मैं बता दूं जो पहले नहीं बताया, कुछ जगह बताया गया है जिंक के बैक्टीरिया इसमें लिया है, एक सल्फर का बैक्टीरिया लिया गया है, तो ये सल्फर का काम करेगा, जिंक का काम करेगा, एक और नई चीज इसमें है बोरान का बैक्टीरिया भी है, आयरन का भी बैक्टीरिया इसके अंदर है, तो कुछ चीजें मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैग्नीशियम बैक्टीरिया भी इसके अंदर है, तो ये जो आपको मिलता है जो मल्टीपल बेनिफिट्स दिखा रहे हैं ना, पावर जो आप बोल रहे हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की पावर इसमें आपको दिखाई देती है, और क्या इसके अंदर आपको दिखाई दी, ऐसे एक्सपीरियंस क्या वो थोड़ा सा बढ़ोतरी, जैसे की फसलों की इतनी फास्ट बढ़ोतरी होती है और उस पे ह्यूमस होने की वजह से OWDC सफेद जो मूली है उसके फास्ट ये होती है, बढ़ोतरी होती है। मूली में कैसे देते हैं इसको? मूली में पानी के साथ, पानी के साथ कितना पानी के साथ आप देते हैं? 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और 1 बोतल डाल के उसको। तो कितना नहीं पर एकड़ कितना देते हैं आप? कम से कम 1000 लीटर। 1000 लीटर दे रहे हैं, तो मतलब ये हाईएस्ट डोज है, और 1000 लीटर मैं बताता भी रहा हूँ कि जमीन को अगर अच्छा करना है तो 1000 लीटर चाहिए। और आप जो है हमेशा मैंने सुना कि 2 फसल लेते हैं, एक आप ओनियन और दूसरा गेहूं, तो उसमें क्या फर्क क्या मिला, ओनियन में क्या साइज में फर्क? ओनियन में साइज भी मिली है क्या, और रेस्ट कम्प्लीटली रेस्ट फिर मिला है। अच्छा, और ये गेहूं में, गेहूं में जो मैं बंसी वान करता हूँ, बंसी गावरन जी जी, क्या उसकी टेस्ट इतनी जबरदस्त है, चपाती खाने में इतनी मुलायम। तो पहले भी आप करते थे बिना केमिकल डाले, तो पहले में अभी फर्क क्या मिला आपको? अभी फर्क मुलायम, चपाती मुलायम मुलायम हो गई, पहले जैसा कड़क होता था जी, अभी वैसे होती। तो मुलायम का कारण क्या मानते हैं आप? ये बैक्टीरियल पावर, बैक्टीरियल पावर। तो और उसके जो आपका जो मिठास हल्की सी कुछ चपाती में मिठास आती है टेस्ट में, तो उसके अंदर आपके प्रोटीन कंटेंट या ये सब कुछ टेस्ट कराया कभी आपने? नहीं, या खुद किया? नहीं किया, नहीं किया। हाँ, तो आप एक बार टेस्ट करिए जरूर, क्योंकि जो आपके गेहूं में है उसमें मिनरल्स ज्यादा आ जाएंगे। बिल्कुल सही, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इसको करें और उसके बाद अपना एक वीडियो डालें, बताएं जरूर जरूर, उसमें मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसे ऐसे एलिमेंट उसके अंदर दिखाई देंगे जो आपको पहले नहीं मिलते थे। बिल्कुल सही, और सही। कुछ एंजाइम होंगे, एंजाइम अगर टेस्ट करा सके, बहुत कॉस्टली है, तो एंजाइम इतने अच्छे आएंगे जो कि आपके बॉडी में जरूरी है लेकिन मिलते नहीं, बहुत ही 0.001 आपका मिलीग्राम चाहिए, वो मिलता नहीं, वो कम मिलता है जी। एक तो ये हो गया, दूसरा ओनियन में क्या फर्क पड़ा उसमें? ओनियन टेस्ट में क्या है? जितना तीखापन रहता है ना, वो तीखापन कम होके मिठास आ गई। बिल्कुल मिठास आ गई, जो कच्चा भी प्याज खाओगे तो टेस्टेड लगता है। देखिए अब ये चीज है जो हम लोग बोलते हैं झाग ज्यादा है तो वो अच्छा, ऐसा नहीं है, अगर उसके अंदर टेस्ट आपका हल्का चेंज होना शुरू हो गया, हल्की झाग रहे, आपको पेनिट्रेट ना करें, वो ओरिजिनल उसका फ्लेवर होता है, और प्याज के गुण उसमें ज्यादा होंगे, आप उसको भी टेस्ट करके देखिए। और जो हम लोग यूज करते हैं ना उसका मेडिसिन बनाइए आप, अगर व्हाइट वाला उगाए एक बारी, उगा के उसको जो हम लोग आंखों में डालते हैं ना, जो हम बोलते हैं आंख के अंदर डालिए, आई ड्रॉप बनाइए, आप उससे बना के देखिए क्या फर्क होगा, क्योंकि लोग जो बनाते हैं उसको आई ड्रॉप लिया, झाग होती है तो आंख में जलन हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है, आंख में बर्निंग हो जाती है, लेकिन इसको जब आप इससे ऑर्गेनिक से उगा के जब बनाएंगे उसमें टेस्ट लग आएगा। और साइज में क्या फर्क आया, पहले कितने ग्राम का था? पहला ज्यादा 50 ग्राम। अच्छा, अभी कम से कम 150 ग्राम का
पाया जाता है 150 ग्राम कम से कम 150 ग्राम। अच्छा, जमीन आपके में क्या फर्क आया, जमीन में क्या? मेरा सेंद्रिय कर में दो जी जी। अच्छा, और मैं क्योंकि चौथा साल चालू है जी जी, मैं केमिकल कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। तो उसमें पहले आपका ऑर्गेनिक कार्बन में क्या चेंज आया, पहले क्या था उसके बाद में क्या आया? पहले तो सब एसिडिक थी ना, एसिडिक थी जी, एसिडिक थी, ओडब्ल्यूडी से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, आपकी एसिडिक में कितनी थी पीएच, आपने टेस्ट किया होगा? नहीं, टेस्ट किया था मैं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में नहीं, याद नहीं है, याद नहीं है, लेकिन एसिडिक थी। तो एसिडिक है मतलब 6 से नीचे हुई, पीएच 6 के नीचे आया, 5.5 भी हो सकता है, 5.4 भी हो सकता है। तो ये जैसे जनरली इधर है 5.5 के आसपास आता है, अभी 7.5 है, अभी 7.5, तो 7.5। अब देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हमारे पास बहुत सारे फोन आते थे, मैंने कई बार बताया भी कि भाई ओडब्ल्यूडीसी डालना है, उससे आपके जो है जमीन के अंदर जो है पीएच बढ़ेगा, बफर जाएगा। तो कुछ लोगों का कहना था, साइंटिस्ट भी नहीं मानते इस बात को, कि आप जो ओडब्ल्यूडीसी डाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एसिड बनता है। हम भी बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनिक उसको टेस्ट करेंगे तो एसिडिक नेचर है, लेकिन जमीन में जाने के बाद कैसे ये चेंज करेगा, ये आप उस जमीन की एसिडिटी बढ़ाएगा, ठीक, ये सबका क्या मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है, रिवर्स है। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑर्गेनिक एसिड गया, ऑर्गेनिक एसिड जाने के बाद जब जमीन के अंदर गया, तो जमीन के अंदर आपके जो केमिकल पड़े हुए हैं, जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम आपके क्लोराइड के फॉर्म में हो या कार्बोनेट के फॉर्म में हो या आयरन के फॉर्म में, तो बाउंड के फॉर्म में ये बाउंड निकालता है, तो आयनिक फॉर्म में करता है। तो आयनिक में जब तोड़ेगा, तोड़ने के बाद जब आता है, इसलिए क्या होता है कि आपके कट आयन बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी डिफिशियंसी होगी, आपको मालूम होगा कि जो साइंस में पढ़ा गया इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जो चीज कम है उसको दूसरे को बराबर करता है। मान लिया आपने पानी डाला दो जार में और कनेक्ट कर दिया तो दोनों बराबर आते हैं साइंस में, तो यही चीज होती है हमारी इसके साथ, कि जो ओडब्ल्यूडीसी है इसमें एसिडिटी होती है, एंजाइम भी होता है, लेकिन जब ये आप खेत में जाएगा, जैसा आपने बताया बिल्कुल सही बताया, पीएच इसका बढ़ता चला जाएगा, और 4 साल में आप बता रहे हैं 7.5 हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक हमारे पास पाकिस्तान से ही फोन आया था, तो वहाँ के साइंटिस्ट उन्होंने बोला कि नहीं है, नहीं हो सकता, तो इसको डालना बंद कर दो, ये नहीं, हमने उसको गारंटी दी थी नहीं आप डालो, ये इससे आपका चेंज होगा, क्योंकि करेक्टर अलग है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ आता है, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कि ये आपकी जमीन एसिडिटी थी, बफर कर दिया, अगर आपके एल्कलाइन है तो उठा के ये फिर तो बफर ले आएगा। क्यों रनी भाई, आप जो बता रहे थे अपना सॉइल कार्बन के बारे में, वो बताइए पहले क्या था आपको? सॉइल कार्बन कितना बड़ा? सॉइल कार्बन शुरू में मेरा 0.07 था, 0.07 था, आहिस्ता आहिस्ता 1 पर आ गया। अच्छा, कितने दिन में आई? तकरीबन 1 साल लगे। एक साल में कितना डालते थे आप ओडब्ल्यूडीसी? कम से कम 1000 लीटर हर महीना। और उसके उसके साथ आप कोई वेस्ट भी डालते थे क्या? गोबर खाद, कचरा, कचरा जो पड़ा हुआ, यानी जो फसलों का जो आपका कचरा निकला उसी में डाल दिया, उसी में डाल, उसको जलाना नहीं वो करते रहेगा। और इसके अलावा क्या किया आपने? उसके अलावा भाई एक बकरी का ही सही वो बताया गया, घोड़े का लीद, बिल्कुल सही, क्या वो भी डालता था, कितना डालते थे? पत्थरों का आज भी तक नहीं बनाया हमने, लेकिन लेंडी और घोड़े का लीद कितना डालते थे? 50-50 किलो, 200 लीटर में डाल के। अब आप बताइए, आप ये जो जैसे बहुत लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं, बहुत एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि भाई जमीन के अंदर जो हमको कार्बन बढ़ाना, तो एकदम से 3 ट्रक माल मतलब 20 टन 30 टन 40 टन रिकमेंडेड है डाल दो, तो वो जो बता रहे सही है या जो आपने प्रैक्टिकल किया? नहीं, 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 उससे बेहतर ये 50 किलो तुम डाल दो, एक गोरी में डाल दो, बोरी में डाल के डाल, वो जैसे दिखाया गया आपने बताया वीडियो, उसको निचोड़ के बाजू को रख दो, उसको जमीन से छोड़ दो। अब देखिए, ये बिल्कुल कंफर्मेशन आपने दिया, बिल्कुल सही बात की, यही मैं बोलता था कि 50 किलो बहुत हो गया आपका, 50 किलो के अलावा चाहिए नहीं, और आपने जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन, हमारे दुनिया में लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ता, लेकिन हमारा कहना है अगर आप ओडब्ल्यूडीसी डालते रहें और क्रॉप मैनेजमेंट में आपका जो काट के वहीं छोड़ देते हैं, खाली जड़ ही छोड़ दीजिए, आपका 0.3% ऑर्गेनिक कार्बन गारंटी से बढ़ेगा, बिल्कुल सही, ये हम बिल्कुल लिख के दे दें, बिल्कुल सही, चाहे कोई माने ना माने, ये प्रैक्टिकल है। अब आपका अब किस समय कितना है ऑर्गेनिक कार्बन? अभी 2.5 लिखिए।